गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में शिव नाम की ईंटें लगाई जा रही थी। ईंटों का सच क्या है, क्या यह ईंटें अभी भी लगी हुई है या इन्हें हटा दिया गया, और साथ में क्या कैमरे बंद हो चुके हैं जिनसे चालान काटा जा रहा था या नहीं, इनके बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। वीडियो को देखकर आगे शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, बीते दिनों में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में एक नई लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए गुरुद्वारा साहिब में एक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। यह लिफ्ट संगत की सुविधा के लिए लगाई जा रही थी, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के समय जो ईंट मंगवाई गई थी उन ईंटों के ऊपर शिव कंपनी का नाम लिखा हुआ था। अब यह घटना जाने या अनजाने कैसे भी हुई, लेकिन वहीं सरदार सुखदेव सिंह जी ने मौके के ऊपर पहुंचकर शिव नाम वाली ईंटों को वहां से निकलवा दिया, ताकि किसी के भगवान के नाम की ईंट पैरों के नीचे ना आए। इस तरह की घटना को समय रहते ही सुलझा लिया गया। इसलिए शिव नाम की सारी ईंटें जो लिफ्ट बनाने के काम में लगाई जा रही थी उनको वहां से निकालकर किसी और मार्के वाली ईंट को वहां पर लगा दिया। सरदार सुखदेव सिंह जी ने इसके अंदर एक अहम रोल अदा किया और हमारे साथ खासकर इस वीडियो को भी शेयर किया। इस घटना को मीडिया में आने से पहले ही इसका हल कर दिया गया था। अब यह घटना जाने या अनजाने में किस प्रकार से हुई, लेकिन वहीं इस समस्या को समय रहते ही ठीक कर लिया गया। इस घटना का जो वीडियो था वह आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि सीसीटीवी कैमरे से जो चालान रोजाना कट रहे थे, 14 दिसंबर तक वह चालान बिल्कुल उसी प्रकार से कट रहे हैं, उनमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, परंतु सरकार द्वारा एक अपडेट जरूर आई थी। इन कैमरों को जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की तरफ लगे हैं उनकी दिशा बदली जाएगी और कई कैमरा नंबर की सूची भी भेजी गई थी, लेकिन जिन जिन कैमरों की सूची सामने आई है उसमें से एक भी नंबर उन कैमरों का नहीं है जो गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग और चालान से संबंधित है। सरदार सुखदेव सिंह जी ने कहा था कि वह इस मामले को आगे कोर्ट के अंदर लेकर जाएंगे। इसके संबंधी आप कल वाले लाइव को भी जरूर देखिए। और वहीं गुरुद्वारा कमेटी भी यह कहती है कि यदि किसी का चालान कट जाए पार्किंग में गाड़ी लगाने को लेकर या इस रास्ते से गुरुद्वारा साहिब आने जाने पर, तो वह गुरुद्वारा साहिब में कमेटी के पास उस चालान को जमा करवा सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब की कमेटी खुद भुगतेगी उस चालान को या वह स्वयं इसको माफ करवाएंगे। सीधे तौर पर अभी तक चालान कटने बंद नहीं हुए, जबकि 2 महीनों से ज्यादा इसका समय हो चुका है। 17 दिसंबर को क्या हो, क्या मनजीत सिंह जी के जी और सिख संगत वहां इन कैमरों को स्वयं हटाएंगे या सरकार इससे पहले इन कैमरों को वहां से बदल देगी। तो संगत जी, यही 2 बड़ी जानकारी थी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के साथ संबंधित। तो नई जानकारी और वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।